हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्लूस गेट के बारे में और उसके ऊपर वाटर का प्रेशर किस तरह से पड़ेगा और उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी। तो पहले देख लें कि स्लूस गेट क्या होता है। देखिए, हमें क्या करना है कि आगे पानी जाने दे या ना जाने दे, ये हमने डिसाइड करना है। मान लीजिए कि दो कंट्री हैं तो वहाँ पे उनके बीच में जो नदी बह रही है, तो दो कंट्री के बीच में नदी है तो हमने देखना है कि उनको पानी अब कितना देना है या नहीं देना है, हमने डिसाइड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्लूस गेट तैयार किए जाते हैं। स्लूस गेट क्या होता है कि वर्टिकली गेट होता है जो कि नीचे की ओर मूव कर सकता है, ऊपर ऐसे मूव कर सकता है। तो ऊपर नीचे ऐसे वर्टिकली मूव कर सकता है, तो हम उसकी मूवमेंट कंट्रोल करते हैं बाय हैंडल्स, बाय अपने हाइड्रोलिक मींस, हम मैन पावर से भी ये काम कर सकते हैं। तो स्लूस गेट काफी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि ये वाटर का प्रेशर किस तरह से इसके ऊपर एक्ट करेगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे देखते हैं तो एक वॉल है, नीचे एक वॉल है और इन दोनों के बीच यहां रुकेगा जाकर, तो ये एक स्लूस गेट है मान लीजिए, ठीक है। और ये जो इस साइड से पानी आ रहा है इसको हम कहेंगे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब इस तरफ मूव कर रहा है पानी, और ये है डाउनस्ट्रीम। तो पानी जब मूव कर रहा था आगे की ओर इस तरह से, तो ये इस तरह से जा रहा था यहां पे, तो इसकी इस साइड इस तरह से दिखा देंगे। और दूसरी साइड जो पानी है, मैं थोड़ा कम दिखाता हूं कि यहां पे थोड़ा कम है पानी, तो यहां पे मैं दिखाता हूं कि ये थोड़ा कम है पानी यहां पे। तो हमने क्या किया कि गेट बंद कर दिए, लेकिन ये गेट बंद भी हो जाए तो भी ये पानी यहां पे तो रहेगा, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि पानी सारा बह जाएगा आगे और ये खाली हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो यहां पे पानी होगा, यहां पे होगा। तो इस तरफ से जो प्रेशर पड़ रहा है, जो हम स्पेसिफिक कहें तो प्रेशर फोर्स, इसमें एक्चुअली क्या करना है, हमने प्रेशर फोर्स फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो इस तरफ से जो फोर्स होगी और इस तरफ जो फोर्स होगी, हम उन दोनों को माइनस करेंगे। बस हमारे पास रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स किस तरह से निकलेगी कि, और इसमें एक चीज याद रखना है, जब भी एक्ट करेगा जो फोर्स, तो हमने क्या करना है, स्लूस गेट के सेंटर में, मतलब उसके सीजी पे हमने कैलकुलेट करना है, सीजी पे। और इस साइड भी हम सीजी पे ही एक्ट कराएंगे, सीजी पे। इस चीज को याद रखना, बस इतनी सी बात समझनी है। लेकिन हमारे पास जो हाइट होगी, ये स्लूस गेट की तो हाफ आ गया, लेकिन हाइट पानी के ऊपर सरफेस लेवल से लेनी है हमने हाइट। बस इतना सा कैलकुलेशन है कि अगर मैं इसको एक्स वन बार मानू और ये मान लू कि ये एक्स टू बार मान लू ऐसे, तो हमारे पास इसके लिए प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला किस तरह से निकलेगा। देखिए, प्रेशर हमारे पास, हमें पता है क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैं एरिया को इस साइड ले आऊं, प्रेशर इनटू एरिया क्या बन गया, फोर्स। तो मेरे पास प्रेशर फोर्स जो निकलेगी इस साइड से, उसको मैं पी वन कह देता हूं या एफ वन कह देता हूं, सही इसका नोटेशन रखें तो एफ वन, अगर मैं इस तरफ से मानूं। और बुक्स पी लिखती हैं तो आप पी भी यूज कर सकते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ मैं एक नाम दे रहा हूं इसको, इस साइड से आने वाली फोर्स को एफ वन दे रहा हूं। और यहां पे क्या करता हूं, तो इस साइड लिखता हूं P1 इंटू एरिया 1, ठीक है। और ये देखिए हमारे पास प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है हमारे पास रो जी एच। एच हाइट लेते हैं पानी की सरफेस, यहां से अगर मैं यहां पे देखना चाहता हूं तो यहां से यहां तक की हाइट, तो ये हमारे पास होगी X1 बार। बस ये कैलकुलेट करना आसान है। अब देखिए सिंपल है, एरिया क्या है, एरिया एक्चुअली स्लूस गेट का सामने वाला एरिया है ये वाला। अगर ये गिवन है तो गिवन ही होता है नॉर्मली, ये चीज गिवन होती है हमें, ये सामने वाला एरिया, ये वाला एरिया जिसके ऊपर ये प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो इस चीज को समझ सकते हैं। तो यहां पे एक्ट कर रहा है, तो मेरे पास दूसरी साइड से जो फोर्स पड़ रही है एफ टू, वो कैसे, वो भी सेम इसी तरह से पी टू इंटू ए, ठीक है, एरिया। अब ए वन की बजाय या ए वन इस साइड, क्योंकि दोनों सेम है एरिया, तो ए वन ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम है हमारे पास। और हमारे पास इसमें क्या होगा एफ टू, अब प्रेशर इस साइड से जो एक्ट करेगा, बस इसको समझना आपने, इस साइड से जो प्रेशर है जो कि है पी टू, तो वो कैसे निकलेगा, रो जी एक्स बार टू, ऐसे बस।
तो ये हाइट लेनी है आपने पानी के सरफेस से यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की, पानी से ले ऊपर सरफेस फ्री सरफेस से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की हाइट लेनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों का जो फोर्स है वो माइनस कर देंगे, इस तरफ से जो आ रहा है और इस तरफ से आ रहा है जो, तो वो रिजल्टेंट निकल जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास निकल जाएगा कि कितना एक्ट कर रहा है। तो ये थी हमारे पास कैलकुलेशन। फ्लूइड मैकेनिक्स पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आखिरी में मैं थंबनेल दे रहा हूँ, ठीक है, ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, पहली वीडियो से आखिरी तक मैंने स्ट्रीमलाइन किया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वहां से आप वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।